जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी श्री मोहन माला जी महाराज साहेब जी की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका महासती श्री डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब, महासती श्री मुक्ता जी महाराज साहेब, तप सूर्य साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहेब, ठाणे 8 नूरवाला रोड जैन स्थानक से विहार करके राकेश जैन जी के निवास स्थान पर पधारे हैं किदवई नगर, जो कि प्रवेश माला जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के ट्रस्टी भी हैं। तो अभी हम मौजूद हैं किदवई नगर राकेश जी के निवास स्थान पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, मुक्ता जी महाराज साहब और बाकी महाराज साहब से, और धर्म के रिलेटेड हम आज महाराज साहब से जानेंगे और साथ में महाराज साहब का आगे का कार्यक्रम क्या है इसके बारे में महाराज साहब से जानते हैं। मथे बना महाराज साहब, आज आप किदवई नगर नूरवाला रोड से विहार करके यहाँ पर पधारे हैं, आगे का कार्यक्रम क्या है? ऐसा है, अब आज हम अपने महासती प्रवेश माला जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ऋकेश जैन जी के यहाँ पे आए हैं। आज का दिन यहाँ रुकेंगे, कल सुबह विहार करके हम महासती प्रवेश माला जैन चैरिटेबल ट्रस्ट मोती नगर में जाएंगे और वहाँ पर हम 26 तारीख तक रुकेंगे और वहाँ से फिर 27 तारीख को विहार करके सुंदर नगर जाएंगे और सुंदर नगर में 2 दिन जैन स्थानक में रुकेंगे, 1 दिन स्वतंत्र जैन जी के यहाँ रुकेंगे और फिर हम 1 तारीख को मोतीराम महाराज जी की समाधि से विहार करके हम आत्मगद्दी रूपा मिस्त्री स्ट्रीट में जो जैन समाज में है वहाँ पे हम चतुर्मास के लिए प्रवेश करेंगे। महाराज साहब, चातुर्मास का प्रवेश आपका होने वाला है, इस बार का चातुर्मास रूपा मिस्त्री गली को प्राप्त हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? रूपा मिस्त्री वालों का बहुत हार्दिक आग्रह था कि महाराज साहब आत्मगद्दी में अपने लुधियाना में आकर के कोई चातुर्मास नहीं किया, तो उनकी पुरजोर विनती को रखते हुए हमने भी सोचा हमारे पूर्वज हमारे पर प्रथम आचार्य श्रमण संघ के उनकी वहाँ पर एक पुण्य भूमि है जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम सांस पूरे किए, तो उस पुण्य स्थली में हमारा भी मन चमासा करने को था, इसलिए हमने वहाँ के चतुर्मास की स्वीकृति दी। यहाँ पर मुक्ता जी महाराज साहब भी मौजूद है, मथे बना महाराज। महाराज साहब, जो धर्म है जैन धर्म, ये बहुत ही इस पर जो जैन धर्म पे लोग बहुत ज़्यादा अड़िग हैं और जैन धर्म का पालन भी कर रहे हैं लोग, लेकिन जो जैन नहीं है वो ना जैन ना होकर भी जैन धर्म का पालन कर रहे हैं और कुछ जैन होकर भी जैन धर्म का पालन नहीं करते, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चीज़ तो हमेशा से होती रही है। मतलब जो महावीर का धर्म है वो अनेकांतवाद है, ये भी हो सकता है ये नहीं भी हो सकता है। तो जो जैनिज्म को समझ जाते हैं, जिनको पता चल जाता है कि जैनिज्म क्या है, इसके तप को त्याग को महावीर के सिद्धांतों को, ये बहुत सहज और सरल है। लोगों को लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन हर एक महापुरुष ने ना स्वयं को जानने की साधना दी है कि अपने आप को जानो। तो भगवान महावीर ने भी यही कहा है कि खुद को जानो। जब हम खुद को जानने लग जाते हैं तो वो मतलब धर्म चाहे कोई भी है, लेकिन सबका मेन मकसद वही है कि स्वयं को जानो। तो जो जानने लग जाते हैं उस चीज़ में रस आने लग जाता है और ऐसा है कि मतलब जो दूसरे भी लोग जहाँ भी जिसको समझ आती है तो वो जैनिज्म को फॉलो करने लग जाते हैं। ये बहुत सहज तप और त्याग से भरा हुआ और एक आत्मा का धर्म है, मतलब एक हमें आत्मा को जानना है और सत्य केवल वही है कि केवल आत्मा को जानना। देखिए, बाहर हम इतने सारे अपनी इंद्रियों का पोषण करते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से जब भी किसी महापुरुष की वाणी को देखा जाएगा तो वहाँ हमें यही मिलेगा कि स्वयं को जानो। तो जो स्वयं को जान लेते हैं वो जैनिज्म को फॉलो करने ही लग जाते हैं और जो लोग कहते हैं कि मतलब वो जैनिज्म को से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने अच्छी तरह से जाना नहीं है, महावीर को नहीं समझा है। अगर महावीर को कोई समझ ले एक बार तो शायद, तो महावीर ऐसा नहीं थे। ये देखो, ये जैन तो अब आकर बन गया है कि हम जैन हैं, लेकिन महावीर ने तो कहा था कि जैन कौन है, कि जो कर्म अच्छे कर रहा है, जो अहिंसा में विवेक में चल रहा है, वो भी जैन है और वो कोई भी हो सकता है। भगवान महावीर का संदेश था कि कमुना भी होई बमुनो, मतलब कर्म से ही कोई ब्राह्मण है, कर्म से ही क्षत्रिय है, कर्म से ही वैश्य है और कर्म से ही शूद्र है। तो आज ये जो जाति हमें बना दी गई है, पहले ऐसा नहीं था जिस समय महावीर इस धरती पर विचरण कर रहे थे। जो आत्मा को जानने वाला है वो सब
जैन ही थे, आज ये पर्टिकुलर एक संप्रदाय बन गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज भी महावीर के सिद्धांत, भले ही कोई अपने आप को जैन नहीं लिखता, लेकिन जहाँ तुम गहराई से देखोगे, जिस भी महापुरुष की वाणी को तुम देखोगे, तो वहाँ पर महावीर हमेशा मिलेंगे। महाराज साहब, चातुर्मास आने वाला है, चातुर्मास का मेन अर्थ होता है कि 4 महीने महाराज साहब एक स्थान पर विराजमान रहकर वहाँ पर तपस्या करते हैं, तो इसका क्या कारण है कि चातुर्मास 4 महीने का क्यों होता है? देखिए, चातुर्मास ये कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे चातुर्मास में कुछ बारिश होती है और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो बाहर के सांसारिक कार्यों से भी लोग एकदम अलग हो जाते हैं, तो इसलिए 4 महीने में लोग धर्म की आराधना करते थे, धर्म की साधना करते थे, कि 4 महीने में एक जगह बैठकर थोड़ा स्वयं को जानने का अवसर मिले और दूसरों को भी ये प्रेरणा दें कि खुद को जानो और खुद को समझो, थोड़ा समय खुद को भी दो। तो इसलिए कुछ चीज़ों और बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो जैनिज्म में एक चीज़ आती है कि जैसे बारिश होती है तो जीव उत्पन्न होते हैं, तो जो जैन साधु होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि किसी भी जीव की विराधना ना हो, सब जीव एकदम सुरक्षित रहें, तो जितना हम बारिश में बाहर निकलेंगे जीवों की उत्पत्ति होगी, हमारे से विराधना होगी। तो एक विधान बनाया कि ये बहुत समय बाद चला होगा चातुर्मास का जैसे विधान, तो एक विधान बनाया कि 4 महीने एक ही जगह रहकर हम धर्म की आराधना स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, यानी स्वयं के खुद के नज़दीक आएं थोड़ा। साध्वी गौतमी जी महाराज साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे बातचीत करेंगे और एक बहुत ही युवावस्था में इन्होंने साध्वी जैन साध्वी का रूप धरा है और बहुत ही सराहनीय है, और इनकी एजुकेशन के बारे में भी इनसे जानते हैं। मध्यवना महाराज, हाँ जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपने इतनी कम उम्र में एक तो साध्वी होना ग्रहण किया, और इसके पहले आपकी क्या कुछ लाइफ थी और क्या कुछ क्वालिफिकेशन है आपकी? साध्वी बनने के बाद तो पता चल रहा है कि कोई क्वालिफिकेशन कुछ मैटर ही नहीं करता, सब भ्रम है। सांसारिक तौर पे जैसे आपने प्रश्न पूछा उसके हिसाब से बीएससी कंप्यूटर साइंस की है पूना से। साध्वी बन गई, साध्वी का चोला ले लिया, लेकिन जो दीक्षा है जो घटित हो रही है वो क्षण क्षण घटित हो रही है, एक प्रोसेस है जिसके लिए हम निकले हैं। क्या पता ऐसा कोई समय आए ये साध्वी, ये जीवन, ये दीक्षा जो है फल जाए। आज के टाइम में हम देखते हैं जहाँ युवा अपने धर्म के मार्ग से भटकते जा रहे हैं, वहीं आपने इतनी कम उम्र में साध्वी का रूप धरा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और बाकी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सबसे पहले तो हमें धर्म ही समझ नहीं आता कि धर्म क्या है। हमें लगता है कि किसी जाति को पकड़कर, किसी विशेष समुदाय को पकड़कर हम कह देते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये जैन धर्म है, ये मुसलमान धर्म है। धर्म का अर्थ भगवान ने बताया, अपने स्वभाव को जानना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना। जो अपने स्वभाव में स्थित हो गया वही धर्म है। जिसने अपने वस्तु को जान लिया, अपने व्यवहार को जान लिया, वो धर्म है। धर्म में स्मारक पे बड़ी ताकि जो स्वभाव है उसको जानने के तरीके आसान होते जाए। संसार में, संन्यास में हम कहीं भी रहकर ये कर सकते हैं, लेकिन संन्यास ये मार्ग हमें वो रास्ता सुगम बना देता है। हम दूर रहकर अपने अपने मोह को, अपने कर्मों को अच्छे से देख पाते हैं। जो लोग जैन धर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं और वो अगर ऐसे साधु साध्वियों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैन साधु साध्वियों का जीवन बहुत ही कठिन होता होगा, तो आपको ये जीवन कठिन नहीं लगता? नहीं, मेरे को कठिन नहीं लगता, क्योंकि हम कर्ता के भाव को ख़त्म करने के मार्ग पे हैं कि हमारा कर्ता ही ख़त्म हो जाए। जब कर्ता ही ख़त्म हो जाता है तो चाहे आप हिमालय पे चढ़ जाओ या जहाँ भी चढ़ जाओ, कुछ कठिन नहीं लगता। या और अपने रस की बात है, हमें जो अच्छा लगता है, अगर हमें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है तो हमें अच्छा लगेगा। चाहे कोई भी मुसीबत आए, वो आपके लिए मुसीबत हो सकती है, हमारे लिए वो सहज हो जाता है। जैसे कि रोज़ पैदल चलना हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है, सामने वाले को लगता है हाँ ये कितने मुश्किल से चल रहे होंगे, लेकिन जब वही बात आपको डॉक्टर कहता है कि आपको वेट लूज़ करना है, आपको बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो हम मजबूरन करते हैं, और यही काम हमारी सहज प्रक्रिया में जीव रक्षा के लिए हो जाती है। महाराज साहब, आज का जो युवा है वो धर्म से कहीं ना कहीं विचलित होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये बहुत सुंदर और आज के इस युग में बहुत एक अहम क्वेश्चन है कि आज का युवा धर्म से दूर क्यों हो रहा है, धर्म से दूर है। देखिए,
बहुत सारी चीज़ों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने जो समझा है, मैं अपने तरीके से इसका जवाब देना चाहती हूँ कि वाइब्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी, हम कैसी एनर्जी में रहते हैं, जो एनर्जी हमें टच करती है, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं और जो हम सुनते हैं, हम वैसे ही बनते हैं। तो आज का युवा क्या देख रहा है, आज का युवा पढ़ क्या रहा है, आज का युवा सुन क्या रहा है, फिर वो वैसा ही बन रहा है। जैसे किसी संत से एक बार कोई एक युवक आया और उन्होंने पूछा कि आज सबसे ज़्यादा एनर्जी वातावरण में किस चीज़ की है, तो उसने कहा, संत को जवाब दिया युवा ने कि गुरुदेव एक बात बताऊं आपको कि आज इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी चीज़ की है, तो वो काम की है, भोग की है। कि आज का युवा अगर सबसे ज़्यादा, मतलब जो एक YouTube चैनल चलता है, नेट चलता है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ देखी जाती है तो वो पोर्न मूवीज़ देखी जाती हैं। तो जैसी जैसी एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, वैसा ही संस्कार बनता है, और जैसा संस्कार बनता है फिर वैसा ही जीवन बनता है। तो आज के जो युवा हैं उनका ज़्यादा रुझान, मतलब क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को खुद ही ऐसा बना लिया, ऐसी बात नहीं है, नास्तिक किसी चीज़ की नहीं है। आज भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादा जो परसेंटेज निकाली जाए तो ज़्यादा भौतिक वातावरण में है, संतों का समागम नहीं है, संतों के पास आते नहीं हैं, धर्म स्थान में आते नहीं हैं। जैसी एनर्जी लेंगे वैसा ही जीवन बनेगा। तो जो भी, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि आज भी इस कलयुग में कितने सारे युवक युवतियाँ ऐसे हैं कि जो धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, संन्यास के मार्ग पर रहे, त्याग कर रहे हैं, चाहे वो कोई CA हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड, MBA, बड़े बड़े बहुत अच्छे युवा आज धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं एक बात देखने की है, वो देखने जैसी यही है कि अगर किसी को कुछ बनाना है अपने आप को, तो सोचना पड़ेगा कि हम देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं। बस ऐसी उसी की एनर्जी क्रिएट होती रहती है और उसी के कारण हमारा जीवन बनता है। इसलिए आज का युवा थोड़ा सा धर्म से पीछे हटा है, लेकिन याद रखना, अगर कहीं शांति मिलेगी तो वो धर्म की शरण में आकर ही मिलती है। भौतिकता में कितने आगे निकल जाओ, कितना भी कुछ देखो, ये भौतिकता डिप्रेशन दे सकती है, ये भौतिकता एंजाइटी दे सकती है, ये भौतिकता तुम्हें मार्ग से, मतलब विचलित कर सकती है, पथ भ्रष्ट कर सकती है। लेकिन जब तुम किसी संत के पास आते हो, धर्म की शरण में आते हो, तो तुम बहुत अच्छे बन जाते हो। महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि आज का जो युवा है वो धर्म से क्यों विचलित हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम सीखते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अगर आपको धर्म के मार्ग पर चलना है, तो आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संतों का सहारा लेना पड़ेगा, संतों की निष्ठा में आपको आना पड़ेगा। तो अभी जैसा कि हमने साध्वियों जी से बात किया, मुक्ता जी महाराज साहब से बात किया, पुनीत ज्योति जी महाराज साहब से बात किया, उसी श्रृंखला में हम अभी यहाँ पर राकेश जैन जी से बात करने वाले हैं, जिनके निवास स्थल पर आज महाराज साहब पधारे हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। आज मुक्ता जी महाराज साहब, पुनीत ज्योति जी महाराज साहब आपके निवास स्थान पर पधारे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत दिनों बाद हमारे निवास स्थान पर पहुँचे हैं। आज से 15 साल पहले आए थे, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि उनके चरण में पड़े हैं। आप महाराज साहब से कब से जुड़े हैं? 2002 से। तब से आप महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, उनके चरण हमारे घर पे पड़े हैं और हमारा घर बहुत पवित्र हो गया है। अभी हम देख रहे हैं कि महाराज साहब यहाँ पर पधारे हैं, तो आपके घर में पूरी रौनक लगी हुई है, तो क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, मन गदगद कर रहा है, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका क्या विचार? इनके मतलब इनके कारण ही हमें भी गुरुओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम भी अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करते हैं कि इनके पुण्य प्रताप से हमें भी महाराज जी के शरण में आने का मौका मिला, गुरुओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अपने आप को बहुत किस्मत वाला महसूस करते हैं हम भी। आपको कैसा महसूस हो रहा है महाराज साहब के दर्शन? अच्छा लग रहा है, महाराज जी से हमारा बहुत पुराना परिचय है, महाराज जी साहब से बहुत अच्छा लगा उनके दर्शन करके। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले श्री भगवान महावीर स्वामी।
स्वामी की जय। बोलो मां साध्वी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की जय। तप चक्रेश्वरी तपाचार्य मां साध्वी श्री मोहन माला जी महाराज की जय। बोलो शासन प्रभाविका डॉक्टर मां साध्वी श्री पुरी ज्योति महाराज की जय। बोलो मां साध्वी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज की जय। सब सतियों की जय। जैन धर्म की जय। तो जैसा कि आपने देखा कि आयम्बिल तपराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब, तप सूर्या साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहेब और मुक्ता जी महाराज साहेब ठाणे आठ यहाँ पर राकेश जैन जी के निवास स्थान पर पधारे। यहाँ पर राकेश जैन जी के जो परिवार वाले हैं उनमें भी काफ़ी हर्षोल्लास देखने को मिला। वहीं हमने अपने प्रश्नों के उत्तर भी जाने महाराज साहेब से धर्म के रिलेटेड। हम आपके लिए और भी ऐसे अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी मिश्रा।